अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे ठाक, फिट फाट होंगे होते हैं वन अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक गॉड। तो यार, व्लॉग करने से पहले आप आगे, तो आज का व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज अच्छा सीन कुछ यूँ है कि मेरे हाथ में जो ये देख रहे हो, ये है बेलचा, इसको बोलते हैं बलीचा बिलीचा, बलीचा बिलीचा, ठीक है वही। और मेरे साथ नवीद भाई मौजूद है और इमरान भाई और अरमैन भाई जनरेटर को ला रहे हैं, क्योंकि आज हम जाएंगे अपने लिए एक दूसरा पिच बनाएंगे फुटबॉल के लिए, ग्राउंड, अच्छा सॉरी पिच नहीं ग्राउंड, अच्छा दूसरा ग्राउंड अपने लिए बनाने के लिए जा रहे हैं। वो जनरेटर ला रहे हैं क्योंकि बनाया है, उसमें पानी है, थोड़ा साइड से नदी है उसमें थोड़ा पानी है, उसको भी निकालेंगे जनरेटर के ज़रिए। तो नवीद भाई मुझे कितना ताप दे रहे, मेरे व्यूवर्स को डरा रहे हो आप यार, वो स्किप करके चला जाएंगे फिर। भाई तैयार शैर होके अभी लगेगा काम में, फिर पता चले कि इसके कपड़े सारे गर्क हो जाएंगे। चलो क्या भाई बना रहे हो भाई? व्लॉग स्टार्ट है, व्लॉग क्या होता है? चलो आ जाओ आप। तो हम पहुंच चुके हैं अपने ग्राउंड पे, ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा ग्राउंड, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, उससे अच्छा है ये, वो छोटा था तो ये बड़ा है। और जनरेटर यहाँ पे रख दिए हैं, इमरान भाई भी इंतजार कर रहे हैं नवीद भाइयों का, वो आए, उसके बाद फिर इसका पानी निकालना है, ये नहर देख रहे हो छोटा सा, इसका पानी निकालना है, या उस साइड निकालेंगे या इस साइड निकालेंगे, तो अभी वो आए उसके बाद पता चलेगा। तो अभी हम यहाँ से इसको बंद करेंगे, उसके बाद उस साइड इसका पानी निकालेंगे, क्योंकि इधर हमारा ग्राउंड है, हमारा फुटबॉल जो कि यहाँ पे बार बार गिरता है और निकालने में मुश्किल होता है, इसी वजह से अभी इसका पानी निकालेंगे, उसके बाद फिर हमारे लिए आसानी होगा। साइड से बंद हो गया, अभी इस साइड से बंद करेंगे, उसके बाद फिर जनरेटर स्टार्ट करके इसका पानी निकालेंगे। और नवीद भाई ने थोड़ा सा भी काम नहीं किया, आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो में, और अभी ये बिल्कुल थक गए, इसको देखो, और मेन भाई को देखो कितना बड़ा, ओ भाई शिट यार नवीद। जनरेटर खराब हो गया, स्टार्ट नहीं हुआ नहीं करो इमरान यार, हाथ खराब कर दिया यार, ये देखो कसम अरे से। साइकिल साइकिल तो हमारा जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी हम वापस जाएंगे घर के लिए, और फिर से आएंगे किट वगैरह करके आएंगे, फुटबॉल खेलेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हो गया, खराब हो गया था उसने लेके गया। तो अभी हम जाएंगे फुटबॉल खेलने के लिए, तो आप लोग को भी दिखा देंगे कि हम फुटबॉल किस तरह खेलते हैं, लेकिन इतना इंटरनेशनल तो नहीं खेलते, लेकिन आप लोग को पता है जब आप ख़ुद अपने कज़न वालों के साथ खेलते हो तो किस तरह खेला जाता है, या क्रिकेट हो या फुटबॉल, तो आप लोग को पता है, आपका माहौल आपको ख़ुद पता है ना। तो हमारा भी यही माहौल है कि हम इंटरनेशनल नहीं खेलते, सादा सिंपल सा खेलते हैं, तो किट वगैरह इतना हमने नहीं पहनते, और हम नहीं पहनते सॉरी, और नवीद भाई पहनता है क्योंकि वो फुटबॉलर है माशाल्लाह, हम कहाँ, हम अभी सीख रहे हैं। ये है हमारा छोटा सा ग्राउंड जो कि इतना खूबसूरत तो नहीं, लेकिन हमारे लिए है ये सोना,
क्योंकि हम यहीं पे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और पीछे आप लोग देख सकते हैं मोटरसाइकिल पे नवीद और जानजेब भी आ चुके हैं, तो वो अभी घर जाएगा नवीद भाई, फिर किट वगैरह करके फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस ग्राउंड के लिए एक लाइक बनता है, और आज का जो हमने जितना मेहनत किया लेकिन हम फेल हो गए, यानी कि मिशन कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, तो उसके लिए यार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोग को मेरा व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आए। तो मैं जितना व्लॉग्स अपलोड करूंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोग मेरे व्लॉग्स आसानी के साथ देख सकते हो। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते तो कोशिश करो कि मेरा व्लॉग्स आप लोग को अच्छे लगे क्योंकि मुझे कोशिश करना पड़ेगा ताकि मैं अपने व्लॉग्स अच्छे तरीके से बनाऊं। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मैं और नवीद जहाँ से प्रैक्टिस कर रहे थे उसके बाद आ गए हमारे सारे टीममेट्स, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया फुटबॉल मैच। तो फुटबॉल मैच के दौरान जो कुछ भी हुआ तो उसके बारे में मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे याद में भी नहीं आ रहा कि क्या क्या हो गया था। तो मैं तकरीबन 2 या 3 बार गिर गया था और नवीद भाई के साथ एक बार टकरा भी गया था। तो आप लोग इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। तो अभी होने वाला है कि इंटरेस्टिंग पोज जो कि जुबैर भाई आपको देंगे कि यहाँ पे आता है पोज किस तरह देता है। तो मैच के बाद हमारा हालत कुछ इस तरह हो गया था, तो बात करने के काबिल ही नहीं थे, बात करना चाह भी नहीं रहे थे क्योंकि बहुत प्यास लगा था, थक गए थे, इसी वजह से प्यास लगा था, बात भी नहीं कर सकते। तो आज के व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।